अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास। और व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं DHA फेज 6 के अंदर F ब्लॉक में, और आज मैं आपको एक घर का रिव्यू करवाऊंगा। और मेरे साथ बड़े एक्सपर्ट हैं घरों के, जो DHA के मामले में घरों में एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे भी मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये है DHA फेज 6 में एक कनाल का घर। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बना, अभी इसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। इसकी प्राइसिंग और इसकी सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये साथ साथ आप इसका लॉन भी देखते जाएं। ये देखें जी, ये लॉन है इसका, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दो से तीन गाड़ियों की पार्किंग है, तीन चार गाड़ियों की पार्किंग है। आए आप, हम अंदर चलते हैं और सजाद बेग साहब, जो कि घरों के एक्सपर्ट हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे और ज़्यादा रिव्यू लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है जी, आए सर। अस्सलाम वालेकुम सजाद बेग साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जनाब वकास भाई। ये सजाद बेग साहब हैं, ये DHA के घरों के मामले में एक्सपर्ट हैं, और ये ओल्ड रावीन यूनियन के मेंबर भी हैं, ओल्ड रावीन भी हैं। सजाद बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थोड़ा सा हमें ये घर थोड़ा सा विजिट करवाइएगा और दिखाइएगा कि ये घर क्या है, कैसा है, ताकि हमें पता चल सके। और ये घर किन लोगों को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? जी वकास भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये घर मैं आपको पहले गुजारिश करूं कि ये मेरे क्लाइंट ने अपने लिए घर बनाया था, क्योंकि वो बिल्डर नहीं है। एक बिल्डर का घर बना होता है, वो जो बिल्डर होता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, और ये जो घर है ये उन्होंने अपने खुद रहने के लिए बनाया था। ठीक है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उनका कोई प्लान चेंज हुआ, दोगुना का प्लॉट था, उन्होंने ऊपर घर बनाना था, तो फिर वो उनके फैमिली का कोई आपस में जो है ना, उनका कोई हुआ सेटलमेंट हो गई है, तो अब वो घर बेचना चाहते हैं। तो ये घर देखें, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाया गया है, इसका जो वुड वर्क है, लाइक इसका जो इसका वुड वर्क और ये कौन सा, ये क्या एरिया है? इसका ये है, ये व्यूअर्स हम लॉबी से सीधा एंटर हो रहे हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम में इसकी आप सीलिंग्स देखें, ये सीलिंग से हमने स्पेशल जो है ना, जो एक्सपर्ट लोग हैं सीलिंग के, जो पाइनियरिंग इस काम में, हमने उनसे सर्विसेज ली हैं, जिन्होंने बहुत दिल जमी से काम किया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किए। ठीक है। और ये देखें व्यूअर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोज़ेक टाइल का काम हुआ है। ये वकास भाई, ये मोज़ेक है, ये हमने किसी वेंडर से नहीं उठाया, हमने खुद जाकर और किसी डीलर के थ्रू नहीं, मैंने खुद जाकर कंपनी से उठाया। ये ठोकर में आते एक बार कंपनी है, हमने खुद ऑर्डर पे देंगे और अच्छी क्वालिटी का बनवाया। ठीक है। और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, जो चीज ठीक भी होगी उसको। और ये जो दरवाजे हैं, ये कौन सी वुड के हैं? ये एच वुड के दरवाजे हैं जी, ये हमने खुद कारपेंटर से ऑर्डर देके बनवाए हैं, और इसकी क्वालिटी को हमने खुसूसी तवज्जो दी है। और इस घर में जितने भी बाकी क्या नाम लेते हैं, वॉशरूम के या क्या नाम लेते हैं, कमरों के जो दरवाजे हैं, ये सारे एश वुड के हैं जी। एश वुड के हमने काम किया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं सीलिंग का काम है, इसके इलेक्ट्रिक। ये देखें व्यूअर्स, ये यहाँ का सिटिंग एरिया आ गया। और ये घर इसलिए भी मुझे थोड़ा सा, इसलिए भी आप लोगों को इसका एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ कि लॉबी खुलते साथ ही यहाँ से इसकी सिटिंग एरिया की एंट्रेंस है, और ये डाइनिंग एरिया, इसलिए कि आपको कुछ मेहमान ऐसे होते हैं व्यूअर्स, जिनको आप अपने लाउंज या बेडरूम्स एरियाज में नहीं लेकर जाना चाहते, तो उन लोगों को आप सीधा लॉबी से यहाँ ही एंटर करवाएंगे, और यहाँ ही अपनी सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप बाहर ले जाएंगे। ठीक है। और ये आपका पाउडर रूम भी आ गया, ताकि अगर कोई छोटी मोटी फैसिलिटीज उनको वॉशरूम की चाहिए तो वो भी मिल जाती हैं। एक कनाल के घरों में अमूमन ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके लिए हमने ऐसे इसको डिजाइन किया गया कि फैमिली मेंबर्स, तमाम के तमाम फैमिली मेंबर्स आराम से टीवी को एंजॉय कर सकें, अपना टेलीविजन रखें, देखें, कोई मैचेस देखने हो, ड्रामा देखना हो, और उसके बिल्कुल साथ इसकी जो अप्रोच है बहुत अच्छी दी है। किचन की तरफ हमने किचन की तरफ अप्रोच दिया, ताकि किचन में जो ये अप्रोच किचन की है जी, किचन की अप्रोच है, ताकि जो किचन में लोग काम करते हैं, वहाँ की हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको देख सकें। आए आज हम इनका किचन दिखाते हैं। किचन तो इनका बड़ा ब्रांडेड किस्म का किचन है। ये किचन किस कंपनी का डिजाइन किया हुआ है, किस कंपनी की फिटिंग्स लगाई हुई है? ये जी सिग्नेचर कंपनी है ये, सिग्नेचर कंपनी का ये किचन है। और इसमें अभी देखिए, इसकी प्राइस में ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, ये जो आपका माइक्रोवेव ओवन लगा हुआ है, बेकिंग लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ी गुजारिश करूँ किचन के बारे में बताऊँ, ये वो कंपनी ने किचन बनाया जो पहले से कनाडा में काम कर रहे थे, और उन्होंने जो पाकिस्तान के बायर्स हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप पाकिस्तान में आके बिजनेस करें, और ये पाकिस्तान में उनका चौथा प्रोजेक्ट है, और अब कोई किचन किसी और घर में नहीं मिलेगा। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। ये देखें जी, ये इसका हार्ड किचन है जी, ये मतलब आपके जो
पेंट्री है, ये जो आपके हार्ड किचन कह लें, डेडी किचन कह लें, ठीक है, और ये इसका मेन किचन एरिया है। और इसके अंदर जो अंदर की वार्डरोब्स हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किचन इस घर की अभी तक जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी है वो किचन है। और किचन से अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। मास्टर बेडरूम मेरा ख्याल ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है जी, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए भी। ये आपका बेडरूम के अंदर ही टीवी का एरिया आ गया, यहाँ पे आप सोफे वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे आपका बेड एरिया आ जाएगा। ऐसा ही है बेड का, इसका बाथरूम देखिए, इसका बाथरूम क्योंकि मास्टर बेडरूम है इसलिए हमने इसके बाथरूम के ऊपर खूबसूरती तवज्जो दी है। ये देखिए जी, इसका वॉशरूम है, जकूजी लगा हुआ है, शॉवर लगा हुआ है। और इसके अंदर ही इन्होंने वार्डरोब्स वगैरह अंदर ही बनाई है और वार्डरोब के अंदर इन्होंने लाइट्स वगैरह भी सब कुछ लगाया। तीन साल गारंटी भी है, तीन साल की गारंटी है, तीन साल के अंदर कुछ तो कोई हो। अच्छा भाई साहब, इसकी गारंटी की एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा, चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। कि गारंटी में आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे टर्माइट प्रूफिंग जो करवाई थी उसकी कितनी वारंटी, और उसकी वारंटी आप आगे जो भी इसमें रहेगा जो भी। आपने वकास भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं चाह रहा था आप मुझे इस तरह का क्वेश्चन करें क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जब हम देश को प्लॉट से हमने जीरो से काम स्टार्ट किया था तो हमने इसकी जो जमीन है उसको हमने पहले इंजेक्शन दिए थे, जमीन को इंजेक्शन दिए थे, उसकी 25 साल की वारंटी है, मतलब पेपर मौजूद है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसका दूसरा बेडरूम और दूसरा वॉशरूम आ गया। अब हम इस घर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, ठीक है, और वो भी आपको दिखाते हैं। उसमें तीन बेडरूम और एक छोटा सा किचन और लिविंग एरिया वगैरह है। और व्यूअर्स, इसकी बहुत अच्छी बात यह है, इसके दो टेरेसेस हैं, दो टेरेसेस होने की वजह से दोनों बेडरूम और लिविंग एरिया को वो टेरेस लगते हैं। चलें व्यूअर्स, अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये हम ऊपर के एरिया में आ गए हैं। ये ऊपर की लॉबी है, नीचे चार फुट की टाइल लगी हुई है। ये टाइल थोड़ी सी महंगी होती है, इटालियन टाइल है, और आप इसकी देख रहे हैं वर्साशे फिनिशिंग है, वर्साशे स्टाइल की फिनिशिंग है। आए हम चलते हैं इसके एक बेडरूम की तरफ। ये इसका पहला बेडरूम है, ठीक है। इसका व्यू आप देखें, इसका व्यू बार, इनके जो दरमियान का टेरेस है। आजकल एक कनाल का स्टाइल व्यू ऐसा चल रहा है कि दो टेरेसेस बनाए जाते हैं, एक जो आपके घर के बिल्कुल बाहर का व्यू देता है, जैसे ये टेरेस है घर के बाहर का व्यू दे रहा है, इसकी यहाँ से एंट्रेंस है, और एक जो कि घर के मिड में टेरेस बनाया जाता है ऊपर वाले पोर्शन में, ताकि ओपन टू स्काई टेरेस बनाया जाता है, इसलिए कि बेडरूम्स और लिविंग एरिया को भी कुछ टेरेस का व्यू मिल सके और आपको घर तंग तंग सा ना लगे। प्लांट लगाना चाहिए अपनी मर्जी का, प्लांट लगा सकते हैं, कुछ लोग प्लांट्स के शौकीन होते हैं, हमने उसकी मजबूत मद्देनजर रखते हुए प्लांट्स एरिया दे दिया, ठीक हो गया। चलें अब हम, ये ऊपर का पहला बेडरूम ये था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे कमरों की तरफ। ये देखें, जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं ऊपर वाले घर के अंदर, ये छोटा सा सिटिंग एरिया आ गया और इसके साथ यहाँ पे किचन भी आ गया। और किचन में भी आप देखें, सिटिंग एरिया में भी आपको बाहर के टेरेस का व्यू है, वो इसलिए ताकि आपको कोई चीज़ कंजेशन फील ना हो, ठीक है। ये इसका ऊपर दूसरा बेडरूम आ गया, और दूसरे बेडरूम के साथ ये आ गया है इसका वॉशरूम, ठीक है जी। और इसके बाद इसका ये तीसरा बेडरूम है, ठीक है। और इस बेडरूम को भी एक खिड़की जो है वो ओपन टेरेस की तरफ लगती है, और ये इसका वॉशरूम एरिया है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको विकास की एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा जब आपने घर सारा व्यू किया तो उसमें कुछ एरियाज में हमने वॉलपेपर लगाए हुए हैं। ये जो वॉलपेपर है ये भी आम वॉलपेपर्स नहीं है, इन वॉलपेपर्स की भी कम से कम 5 साल गारंटी है। अगर आप लेट्स सी खराब नहीं होंगे, ये फर्श या खराब हो भी जाते हैं, हम आपको इसका भी सर्टिफिकेट देंगे, आपको कंपनी नहीं लगा के देगी आपको, ठीक है। इसके ऊपर हमने तो इसकी थोड़ी सी प्राइस की डिस्कशन के ऊपर बात कर लें, इसकी प्राइस क्या है। देखिए, जो फेज 6 में आपको पता है कि एक नया फेज है DHA में, यहाँ पे जो एवरेज घर है वो 5.5-6 करोड़ में, ठीक है, एवरेज घर। लेकिन ये जो घर है हम बहुत सस्ता दे रहे हैं आउट ऑफ द यूकान के मैच, उसकी कोई रीजन, इसकी रीजन ये है कि एक तो ये है कि इसके जो है ना, उसके जो ऑनर्स हैं वो जरूरतमंद हैं, वो नीडी हैं,
वो बेचना चाह रहे हैं, इस वक्त कैश आउट करना चाह रहे हैं, वो कैश लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ऑनर्स हैं उन्होंने दो का अगर प्लॉट लिया हुआ है, उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो ना मैं प्लॉट स्टार्ट कर सकूँ, तो वो डिले नीचे करना चाह रहे हैं। तो मेरे ये आउटर मार्केट घर है, ये मेरे क्लाइंट का घर है, ये और कोई नहीं बेच सकता। तो ये मेरे जो है ना, आप ऑनर से मैं आपकी डायरेक्ट मीटिंग करा सकता हूँ और ये घर आपको कम अज कम मार्केट में। व्यूअर्स, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये घर एक दफ़ा ज़रूर देखने आइएगा। अगर आप एक तरह का घर लेना चाह रहे हैं, ये आपको साढ़े चार से पौने पाँच की रेंज में मिलेगा, साढ़े चार से पौने पाँच की रेंज में मिलेगा। और बहुत अच्छा घर है इस प्राइस में, प्लॉट भी क्या नाम लेते हैं इसका, एक अच्छी लोकेशन है प्लॉट की, घर आसपास बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, राया भी आपको नज़र आ रहा होगा, राया यहाँ से बहुत ही करीब है। वो जो आपको दूर ग्लास विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ये राया की हैं, ठीक है। और अच्छी लोकेशन है प्लॉट की, घर भी अच्छा बना हुआ है, डिज़ाइन भी अच्छा है, आर्किटेक्चर भी अच्छा है, चीज़ों की फिनिशिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है इन सारी चीज़ों के मुताबिक, ठीक है। एक दफ़ा घर देखने आइएगा और अपने रिव्यूज़ नीचे jayada.com.pk के चैनल पर नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कॉमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा घर देखने के बाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, jayada.com.pk से सैयद वकास।